बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसएस एजुकेशनल चैनल। आज हम इंग्लिश फॉर क्लास 8 केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड के फिफ्थ यूनिट की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम पोएम की पैराफ्रेजिंग करेंगे। इससे पिछली वीडियो में आपको पोएम का सिंपल मीनिंग उर्दू वर्डिंग के साथ, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ समझाया था। इसके फर्स्ट स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग स्टार्ट करते हैं। अ फ्लैश ऑफ स्मोल्डरिंग फ्लेम एंड फायर इग्नाइट्स द ईस्ट, देन हायर हायर ओवर ऑल द स्काई सो ग्रे फॉर लॉन, द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बॉर्न। इन दिस स्टैंजा द पोएट कंपेयर्स द फिजिकल अपेयरेंस ऑफ द राइजिंग सन विद अ बर्निंग फ्लेम। मेनली इस स्टैंजा में पोएट का फोकस सन की फिजिकल अपेयरेंस पर है और उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स या उसका जो लोगों के इमोशंस पर इन्फ्लुएंस है उसके बारे में वो बात नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ उसकी फिजिकल अपेयरेंस को कंपेयर कर रहा है विद द बर्निंग फ्लेम, जलते हुए शोले के साथ। एट द टाइम ऑफ डॉन द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट मेकिंग द स्काई लुक लाइक अ बॉल ऑफ फायर विद रेड फ्लेम। सुबह के वक्त, तलुए आफ्ताब के वक्त, सूरज जब मशरिक से निकलता है तो आसमान ऐसा लगता है जैसे एक आग का गोला हो, बॉल ऑफ फायर विद रेड फ्लेम्स, जिसके सुर्ख शोले हो। द सन राइज इज हायर एंड हायर इन अंटिल इट्स लाइट कवर्स द होल ऑफ द स्काई विच वॉज अदरवाइज लोनली एंड ग्रे। सूरज इस पूरे आसमान को रोशन कर देता है, ऊपर उभरता है और उभरते उभरते पूरे आसमान को रोशन कर देता है, उस आसमान को जो कि असल में अकेला और ग्रे था, बिल्कुल ग्रे कलर का था और बगैर रोशनी के था, अकेला था, जिस तरह से रात की उदासी, रात की तारीकी की तरफ इशारा है। सेकेंड स्टेंजा है द डॉन ऑफ अ थाउजेंड ड्रीम्स एंड थ्रिल्स एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल्स अ पियन ऑफ इटर्नल स्प्रिंग वॉइसेस द न्यू अवेकनिंग। दिस डॉन इज नॉट ओनली अ नेचुरल प्रोसेस हैपनिंग एवरी डे बट इट इज ऑल्सो एन अवेकनिंग ऑफ ड्रीम्स एंड फियर्स। इन दिस सेकेंड स्टेंजा मेनली द पोएट हैज फोकस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ डॉन। What is the influence of dawn on human emotions or on emotions of all the creatures? इस सेकेंड स्टेंजा में बेसिकली शायर ने इस बात पर फोकस किया है कि उभरते हुए सूरज का दुनिया वालों पर, दुनिया की तमाम मखलूक पर क्या नफसियाती असर होता है। पहले में फिजिकल एस्पेक्ट को देखा और दूसरे में नफसियाती असर को, कि उसका असर क्या होता है। तो सुबह का सूरज ना सिर्फ ये कि उसका तलू होना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरती अमल है, बल्कि एक ऐसा कुदरती अमल है जो कि रोज होता है, बल्कि वो बहुत सारे ख्वाबों और बहुत सारे खौफों के शुरुआत भी है। बहुत सारे खौफ, बहुत सारे ख्वाब उनकी शुरुआत भी है। एवरी डे एट द डॉन टाइम न्यू ड्रीम्स एंड न्यू थ्रिल्स आर अराउज्ड। हर रोज सुबह के वक्त नए ख्वाब और नए खौफ, नए सनसनी, थ्रिल्स का मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत एक्साइटिंग हो और उसमें थोड़ा बहुत खौफ का अंसर भी शामिल हो, हारने का खौफ भी हो। अराउज्ड कहते हैं जगाना, किसी चीज को उभारना, ठीक है। तो यहाँ पर ख्वाबों और थ्रिल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है कि उनको जगाता है। द म्यूजिक इन द हिल्स इज अ रेफरेंस टू द अर्ली मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। जो पहाड़ियों में म्यूजिक का जिक्र है वो सुबह सवेरे चहचहाती हुई चिड़ियों के नगमों की तरफ इशारा है। ऑल द क्रीचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स वेक अप with new desires and new hopes. तमाम मखलूकात, इंसानों बशमूल इंसान, चिड़ियाँ और जानवर सब सुबह के वक्त नई ख्वाहिशात और नई उम्मीदें, नई उमंगें लेकर उठते हैं। थर्ड पैराग्राफ, whispers of pent up harmonies with the mingled fragrance of the trees
faint snatches of half-forgotten song, fathers torn and numb, the boon of light we craved, awaited long, has come. Third paragraph, आखरी paragraph, इसकी paraphrasing करते हैं. For the whole night, everything was at stand still. पूरी रात हर चीज बिल्कुल साकत थी. Now with the rising sun, everyone is looking forward to be free to achieve their objectives. अब उभरते हुए सूरज के साथ हर एक इस बात को देख रहा है, हर एक इस बात का इंतजार कर रहा है कि वो अपने मकासिद की तकमील कर सके. The beautiful fragrance of trees and the melodious voices of birds make the atmosphere lovely. दरख्तों की खूबसूरत खुश महक, बहुत खूबसूरत खुशबू या महक, और परिंदों के चहचहाने में जो नगमगी है, मेलोडियस होता है नगमगी, बहुत खूबसूरत नगमा भरी खूबसूरत आवाज, माहौल को और ज्यादा सुहाना बना देते हैं. द डॉन हैज गिवन न्यू होप टू द टायर्ड फादर्स. सुबह के सूरज, उभरते सूरज ने थके हारे वालिद को, या बहुत सारे एक पिछली जनरेशन की तरफ इशारा है, उनको एक नई उम्मीद दी है. दे हैड वर्क डे एंड नाइट, नाउ द डॉन हैज रिन्यूड देयर होप. उन्होंने दिन और रात काम किया था और अब सुबह के सूरज ने उनकी उम्मीद को दोबारा ताजा कर दिया. अ होप फॉर फ्रीडम फ्रॉम द प्रेसिंग बर्डन्स ऑफ लाइफ. एक ऐसी आजादी की उम्मीद कि अब जिंदगी के जो बोझ हैं, जिंदगी के जो फेलियर्स हैं, जिंदगी की जो नाकामियां हैं, उनसे आजादी मिल जाएगी. इट इज लाइक अ हाफ फॉरगॉटन सॉन्ग दैट इज नाउ बीइंग संग विद न्यू हार्मनीज. ये ऐसा ही है जैसे कोई भूला बिसरा गाना अब दोबारा से याद आ गया हो और अब वो दोबारा से गाया जा रहा है. तो बच्चों, ये थी इन थ्री स्टैंजास की पैराफ्रेजिंग. अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसकी समरी भी करेंगे. तो बच्चों, ये अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, याद कर लीजिए. पैराफ्रेजिंग करना आपको खुद भी आना चाहिए. पैराफ्रेजिंग कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. आपने सिर्फ जो शायर ने जिन ख्यालात का इजहार पोएटिक लैंग्वेज में किया है, आपने उसको सादा लैंग्वेज में, सिंपल जबान में लिखना होता है और उसी को हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं.